यहां तक हमने ये जान लिया कि जावा में क्लास कैसे डिफाइन होती है, हमने नेमिंग कन्वेंशन सीख ली और हमने फंक्शन और मेथड में डिफरेंस समझ लिया। अब यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं सी सी प्लस प्लस की बात करूं, सी और सी प्लस प्लस में आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता था, जावा में किसी भी क्लास के एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है, जैसा कि आपको बताया था। अब मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं जैसा कि आपको बताया था। अब इसका कारण आपको थोड़ी देर बाद में आगे जाके कहीं पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सी में मेन फंक्शन के साथ इतनी सारी चीजें नहीं लिखी होती थी जितनी सारी चीजें यहां इसके साथ लिखी गई हैं। सवाल आता है यहां इतनी सारी चीजें क्यों लिखी गई है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे आसान टर्म की बात करते हैं, वो है क्या, रिटर्न टाइप। क्या डिनोट करता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा कि मेथड रिटर्न नहीं करेगा, मेथड रिटर्न नहीं करेगा। बहुत पुरानी आदत है, बहुत दिनों में छूटेगी। अब जब भी आप फंक्शन कहेंगे मैं आपको टोकूंगा। जावा खत्म होते होते कुछ लोगों की आदत सुधर जाएगी, उनके सोचने का तरीका बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है। पहले दिन से ये बात मैं आपको बताते चले आ रहा हूं। ये बात आप जानते हैं कि ये एक रिटर्न टाइप है। आपको ये भी पता है जिस मेथड के साथ ये अप्लाई किया गया वो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये मेरा सवाल था ही नहीं। अब सवाल यहां से शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, सी में सी प्लस प्लस में जो मेन फंक्शन होता था उसके रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती थी, उसके रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती थी। हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे, यस या नो लिख सकते थे। जावा में नहीं लिख सकते, जावा में मेन मेथड की रिटर्न टाइप केवल वॉइड हो सकती है, इंटीजर नहीं हो सकती। बता सकते हैं क्यों? सोचा ही नहीं आपने कभी ऐसे। आपको बता दिया गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं, आपने कभी पूछा नहीं क्यों लिखते हैं, सामने वाले ने कभी बताया नहीं। अब बताया इसलिए नहीं क्योंकि उसे पता नहीं, उसने भी कभी आपने नहीं सोचा जैसे आपने नहीं सोचा। किसी ने अगर पूछा भी होगा सामने वाले ने कहा होगा ऐसे बनाया गया है। हर चीज के पीछे कारण होता है, बिना कारण के एक पत्ता भी नहीं गिरता। तो अगर सन माइक्रो सिस्टम ने मेन मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड फिक्स की है तो उसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। अब इसके पीछे जो कारण है वो आपको मैं पहले से बता चुका हूं। आप सोच रहे होंगे मैंने कहां बताया, जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं उसमें जितनी चीजें मैं आपको बताता हूं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें कहीं छुपी हुई है। अगर आप अपने ब्रेन से अपने दिमाग से सही सवाल पूछें तो वो आपको आंसर देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। गाइड करता हूं आपको, हेल्प करता हूं आपकी सही सवाल पूछने में। सबसे पहले ये बताइए कि कोई फंक्शन वैल्यू किसे रिटर्न करता है, वो इसको रिटर्न करता है। एक मेरे पास ए नाम का फंक्शन है, एक बी नाम का फंक्शन है, मैंने ए से बी को कॉल किया, बी वैल्यू किसे रिटर्न करेगा, वो इसको। ए को मैंने सवाल क्या पूछा था, कोई फंक्शन वैल्यू किसे रिटर्न करता है, आंसर है इनवोकर को। जो फंक्शन उसे इनवोक करता है फंक्शन उसे वैल्यू रिटर्न करता है। पहला क्वेश्चन हो गया, इससे हमें यह पता चला फंक्शन इनवोकर को वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं, सी में सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन को कौन इनवोक करता है। ओएस, कल आपको बताया था सी एंड सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को ओएस एग्जीक्यूट कराता है, यानी कि इन्हें ओएस इनवोक अगर कराएगा तो ये वैल्यू किसे रिटर्न करेंगे, ओएस को। जावा में इस मेथड को कौन इनवोक कराएगा, जीआरई। अगर इसे वैल्यू रिटर्न करनी पड़े तो ये किसे रिटर्न करेगा, जीआरई को। कितनी बात पता चल गई हमें, हमें पता चल गया सी में सी प्लस प्लस मेन फंक्शन को ओएस इनवोक करता है, जावा में मेन मेथड को
जीआरई को करता है। अब हम अपना मेन क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सी सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न क्यों करते हैं और जावा में मेन मेथड से क्यों रिटर्न नहीं करते? आंसर है एग्जीक्यूशन मॉडल। कल आपको जब मैं सिक्योरिटी एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बताया था सी सी प्लस प्लस में अनमैनेज एग्जीक्यूशन मॉडल होता है। अनमैनेज एग्जीक्यूशन मॉडल का मतलब है ओएस आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में असाइन कर देता है एंड उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर एक एक इंस्ट्रक्शन फैच करता है, एग्जीक्यूट करता चला जाता है। जिस समय आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय ओएस का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ओएस साइड में बैठा हुआ, उसने लोड कर दिया, वो आराम से बैठ गया। अब जो प्रोग्राम ओएस ने लोड किया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या अनसक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए कॉन्सेप्ट रखा गया था एग्जिट स्टेटस का। यहां से जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो उसका एग्जिट स्टेटस है। उसके थ्रू ओएस को बताया जाता है कि उसने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था वो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या अनसक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। वहां पर एग्जीक्यूशन मॉडल की वजह से ओएस का इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट एग्जीक्यूट ना कराने की वजह से जरूरत थी। सवाल आता है जावा में जरूरत क्यों नहीं है? जावा में कल मैंने दूसरा डायग्राम बनाकर आपको समझाया था, जावा में आपके इंस्ट्रक्शंस को कौन एग्जीक्यूट कराता है? जेआरई। एक एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है या वो इंस्ट्रक्शन को वही लोड करके छोड़ देता है, किसी दूसरी पार्टी को दे देता है कि वहां भी आप एग्जीक्यूट कराओ। अंतर समझिए दोनों में, ओएस लोड करके छोड़ दे रहा है, जेआरई एक एक इंस्ट्रक्शन को खुद एग्जीक्यूट करा रहा। अगर जावा की किसी एप्लीकेशन में कोई इंस्ट्रक्शन फेल होती है तो पहले किसे पता चलेगा? जेआरई को। अब हम एग्जिट स्टेटस किसे बताते थे? इनवोकर को। क्या जावा में जेआरई को बताने की जरूरत है कि यह प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ? नहीं है। इसीलिए मेन मेथड की रिटर्न टाइप क्या रखी गई है? वॉइड। सारा कारण है एग्जीक्यूशन मॉडल। अगर जावा में मेन मेथड से हम कोई वैल्यू रिटर्न कराएं तो वो कुछ ऐसे होगा जैसे हमारे साथ कोई घटना घटे और हम भगवान से कहें मेरे साथ ऐसा हो गया। जरूरत है भगवान को बताने की? वो चाहता है, उसे पहले से पता है तो हमारे साथ ऐसा होता है। सेम कहानी जेआरई की है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जावा में मेन मेथड की रिटर्न टाइप केवल वॉइड क्यों होती है, क्या आंसर देंगे? जावा में मैनेज एग्जीक्यूशन होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जीआरई कंट्रोल करता है। वैल्यू जो हम रिटर्न करते हैं वो इन्वोकर को एग्जिट स्टेटस बताने के लिए होती है। जावा में इन्वोकर को पहले से एग्जिट स्टेटस पता है, इसलिए वहां एग्जिट स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है।